दोस्तों इस वर्ल्ड का सबसे रिस्की बिजनेस कौन सा है? कौन सा ऐसा बिजनेस है जो वर्ल्ड का सबसे रिस्की बिजनेस है? चलिए सोचिए, दो मिनट, दो सेकंड सोचिए ना, दो मिनट तक तो आप रहेंगे नहीं वीडियो में, तब तक मैं वीडियो एंड कर दूंगा। सोचिए आपके माइंड में कोई आ रहा है कौन सा बिजनेस रिस्की है, रिस्की है, रिस्की, अपने आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे मुश्किल बिजनेस है इस दुनिया में एक फिल्म बनाना, एक मूवी का बिजनेस। चौंक गए ना आप कि क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर सबसे मुश्किल काम होता है। क्यों? देखिए, यदि आप डायरेक्टर बनोगे, खास करके डायरेक्टर प्रोड्यूसर, पूरा सेटअप होता है। मैं यहाँ पे कॉमन वर्ड यूज करूंगा कि एक मूवी बनाना। अब ये मूवी बनाने का दोस्तों बिजनेस वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट बिजनेस क्यों है? क्योंकि जितना रिस्की है दोस्तों उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देता है। लेकिन यदि गिरा देगा ना, उल्टी गिर गई, फिर अमिताभ बच्चन की तरह आपको यहाँ पे बैंक करप्सी पे भी आना पड़ सकता है। देखिए बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, बिजनेस का कोई सक्सेस रेट का या कोई चांस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मूवीज यहाँ पे एक साथ बन रहे होते हैं, और यहाँ पे मूवीज के बजट आपको पता ही है, फिर भी बता देता हूँ, करोड़ों के होते हैं। 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ों में दोस्तों पैसे लगाया जाता है, ये प्रेडिक्शन करके कि फ्यूचर में ये बिजनेस यहाँ पे अच्छी खासी चलेगी। पूरे इंडिया में सभी लोग यहाँ पे अपनी जेब से 100-200 रुपये देके देखने जाएंगे, और देखने के जाने के बाद यहाँ पे हम इतना पैसा कमा लेंगे। कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे ये नाव उल्टी गिर जाती है, तो यहाँ पे जो बैंक, बहुत सारे ऐसे दोस्तों पास्ट में भी थे, प्रोड्यूसर थे जो बैंक से लोन लेते थे, लेकिन यहाँ पे लोन भी चुका नहीं पाते थे क्योंकि यहाँ पे मूवीज फ्लॉप हो जाती है। क्योंकि मूवी क्यों गारंटी नहीं है, क्या है पता है? जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज आ जाएगा। यदि 1 लाख व्यूज नहीं आया और मैंने हिसाब से पैसे लगा दिए, फिर मैं तो यहाँ पे घाटे में हूँ। और खास करके दोस्तों हाल ही के टाइम पे तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन क्यों है ये मूवीज के बिजनेस में, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म आ गए, साथ ही साथ यहाँ पे YouTube पे भी अच्छा खासा कंटेंट मिल रहा है, लोगों का अटेंशन स्पैम कम हो गया, रील्स पे बहुत ज़्यादातर लोग टाइम दे रहे हैं, शॉर्ट कंटेंट पे टाइम दे रहे हैं। फिर भी दोस्तों एक बड़ा रिस्की बिजनेस होने के बावजूद भी जो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, पूरी जो मूवी की बिजनेस मॉडल आज भी चल रहा है। ब्रह्मास्त्र मूवी दोस्तों यदि आप देखें, 11 ईयर अगो यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू हुई थी, 300 करोड़ का बजट अभी लॉन्च होने वाले, यानी कि कितना बड़ा रिस्क दोस्तों, 300 करोड़ का और 11 साल का टाइम। एक दोस्तों पूरा 10 साल होते हैं ना किसी का करियर बनने की, तो एक मूवी के पीछे 11 साल। अब देखते हैं ब्रह्मास्त्र का क्या था है। तो ऐसे ऐसे भी रिस्की बिजनेस लोग करते, तो इस हिसाब से रिवील भी बनते हैं ना कोई बिजनेस में, यहाँ पे बिजनेस में बोल देता हूँ, लेकिन मूवी बोल रहा है। यदि कोई मूवी फ्लॉप होती है, तो यदि दूसरी बार कोई मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की तरह अच्छी हो जाती है, तो यहाँ पे 100-200 करोड़ का दोस्तों एक ही बार में प्रॉफिट, 100 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये बड़े प्रॉफिट के लालच में दोस्तों प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, पूरी टीम यहाँ पे एक बड़ा रिस्क लेते हैं, और एक टाइम में दोस्तों पूरे लाइफ टाइम का पैसा, पूरे पुस्तों का पैसा भी कमा के निकल जाते हैं। दुनिया फ्रॉम सांस होती रहा, तो आप रिस्क लेने में क्यों डर रहे हो? मोर बिजनेस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मैंने एक और वीडियो बना दिया दोस्तों, यदि आपको रिस्क लेना है तो 2 ऐसी मूवीज आपको भी चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।